सेंसेस का सेशन चल रहा है। इससे ये हमारा फोर्थ पार्ट है। आपने अगर इसके आगे के वीडियोस देखे हैं तो आपको लगा होगा कि सबसे इजीएस्ट वे है इंग्लिश सीखने का। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं जो है हैज गॉन टू और हैव गॉन टू। जब इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ा है, पढ़ेंगे। जब कोई काम हमें फोर्सफुली करना पड़ रहा है, ये बिल्कुल तय नहीं कि हमारे इसमें अपनी इच्छा है या नहीं है, हमें वो काम करना है। जब हम इसको बनाते हैं तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आप लेते हैं हैज या हैव। अब आपको पता ही है कि सिंगल पर्सन के साथ लेते हैं, हैव लेते हैं प्लूरल के साथ में। उसके बाद हम आते हैं गॉट टू पे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और ओडर। हम इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। उसे कई किताबें पढ़नी पड़ती हैं, उसे कई किताबें पढ़नी पड़ती हैं। तो हम यहाँ पर उसे यानी अब हमको यहाँ पर सिंगल पर्सन, तो सिंगल पर्सन के साथ हम हैज गॉन टू करना है। ही हैज गॉन टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमको लगानी है, तो वेट। ही हैज गॉन टू वेट कई किताबें, कई यानी मेनी मेनी बुक्स। ही हैज गॉन टू Many books. हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं, मेरी माँ को खाना पकाना पड़ता है। इच्छा है या नहीं है, it doesn't matter, but उन्हें ये काम करना पड़ता है। मेरी माँ को, my mother, my mother, my mother is single person, अगर हम has got to पर अप्लाई करेंगे, my mother has got to पकाना, cook, खाना, food. तो my mother has got to cook food. एक और हम लेते हैं सेंटेंस, मुझे रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है। इच्छा तो नहीं होती पर उठना पड़ता है। तब हम कैसे बोलेंगे, मुझे यानी आई। आई को हम प्लूरल में काउंट कर रहे हैं, तो आई के साथ हम अप्लाई करेंगे है। आई हैव got to उठना, get up, उठना, get up, जागना, wake up। आई हैव got to get up अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। ये हमारा सबसे, ये हमारा हैज गॉट टू, हैव गॉट टू, ये हमारी वर्ब अर्ली इन द मॉर्निंग, ये हमारा ऑब्जेक्ट या ओडब्ल्यू। अब हम आते हैं इस तरह से आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। अरे मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, इच्छा नहीं है पर एक साथ कुछ करना पड़ता है। जहाँ फोर्सफुली कोई भी काम आपको करना पड़े तब आप हैज गॉट टू, हैव गॉट टू से बना सकते हैं। आजकल की जो डेली लैंग्वेज होती है, स्पीकिंग की लैंग्वेज होती है, उसमें कई लोग हैज और हैव को स्किप भी कर देते हैं, डायरेक्ट गॉट टू से बना देते हैं। चलता है स्पीकिंग में इतना फोर्स पे भी नहीं डाला जाता है, पर जब आप प्योर ग्रामेटिकली बनाते हैं तब आपको ये अप्लाई करना जरूरी होता है। अब हम आते हैं इसके थर्ड सेकेंड पार्ट पे, जो है हमारा नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव बनाते समय हमको नॉट फिक्स करना है, पहले नॉट कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट सबसे क्या है और है उसके बाद नॉट, नॉट के बाद हम गॉट टू यूज करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब होती तो दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में हम नॉट लगाते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर तीन है तो भी हम सिर्फ पहली वाले को अलग करके नॉट लगाएंगे। पहला वाला हैव या हैज जो भी हमारा है, उसके बाद नॉट, फिर हम गॉट टू, इन दोनों के बीच में हम नॉट लगाएंगे। उससे ऑफिस नहीं जाना पड़ता, अभी तो किसी को भी नहीं जाना पड़ रहा लॉकडाउन है, तो उसे रोज ऑफिस नहीं जाना पड़ता है, तो उसे यानी ही, ही हैज नॉट गॉट टू गो टू ऑफिस। उनको कोई काम नहीं करना पड़ता है, कोई काम नहीं करना पड़ता है उनको। दे, तो दे के साथ लगता है, दे हैव नॉट गॉट टू डू एनी वर्क, उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता है। अब हम आते हैं हैज गॉट टू, हैव गॉट टू के सेकंड पार्ट पे, जो सॉरी थर्ड पार्ट पे, जो है इंटरोगेटिव पार्ट, जहां प्रश्न पूछा जाता है। हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट देन गॉट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और ओडर। क्या आपको अकेले ही सब काम करना पड़ता है? इंटरोगेटिव जब भी बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेकर आ जाते हैं। यहाँ पर तीन हेल्पिंग वर्ब है तो हम सिर्फ पहली वाली हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेके आएंगे, बाकी गॉट टू और गॉट टू ये तीनों सब्जेक्ट के जस्ट बाकी होंगे। क्या आपको
अपने लिए ही सब काम करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर ये काम प्लूरल है तो है पता निकल गया है यू वॉच जो टू ऑल वर अनोन। क्या आपको अकेले ही सब काम करना पड़ता है? क्या दीपक को उनसे मिलना पड़ा है या पड़ता है? एक बार है या फ्रिक्वेंटली है? तो हम बोलते हैं has दीपक got to meet with them? Has दीपक got to meet with them? इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं तब क्या करते हैं? इस नॉन को हम कहाँ फिक्स करेंगे? इस नॉन को हम जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट यहाँ फिक्स करेंगे। क्या तुम्हें स्कूल प्रोजेक्ट नहीं बनाने पड़ते हैं? तब है यू नॉट गोट टू मे स्कूल प्रोजेक्ट। तो ये नॉट कहा लगा जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट उसके बाद गोट टू। क्या उन्हें यहाँ इंतजार नहीं करना पड़ता है? क्या उन्हें यहाँ इंतजार नहीं करना पड़ता है? तो उन्हें एक से ज्यादा होंगे तो है दे नॉट गोट टू वेट हियर। हैव दे नॉट गोट टू वेट हियर। अब हम आते हैं has got to be पूर्ण पार्ट पे जो है डबल इंट्रोगेटिव पार्ट। डबल इंट्रोगेटिव हम जब भी बनाते हैं तब हमको सिर्फ इंट्रोगेटिव के फॉर्मूला में सिर्फ एक क्वेश्चन वर्ड को ऐड करना होता है। इसका सबसे पहले हम लेंगे क्वेश्चन वर्ड देन has या where उसके बाद लेते हैं सब्जेक्ट देन got to पर ये फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और OW। तुम्हें कितनी किताबें खरीदनी पड़ती हैं? तो हमारे पास एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है कितनी किताबें यानी हाउ मैनी बुक्स। अब हमको लेना है क्योंकि हम तुम्हारी बात कर रहे हैं जो कि प्लूरल में काउंट होता है। हाउ मैनी बुक्स हैव यू गॉट टू बाय या परचेज। अब हम लेते हैं सेकंड सेंटेंस तुम्हें कितनी दूर जाना पड़ता है। हमारा प्रश्न है कितनी दूर यानी हाउ फार हैव यू गॉट टू गो तुम्हें कितनी दूर जाना पड़ता है। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव को डबल वाले। तब हम एक सेंटेंस लेते हैं उदाहरण के लिए श्रिया को रीना की मदद क्यों नहीं करनी पड़ती है। यहाँ पर हमारा प्रश्न भी है नहीं भी है और पढ़ता है पढ़ती है भी है। हम इसको बनाएंगे इसी फॉर्मूले से सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड फिर हैज या है फिर सब्जेक्ट के साथ हम यहाँ नॉट प्लस कर देंगे जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट फिर गॉट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट OW। व्हाई हैज श्रिया नॉट गॉट टू रीनास हैंड। व्हाई हैज श्रिया नॉट गॉट टू रीनास हैंड। उसे रोज ऑफिस क्यों नहीं जाना पड़ता है। प्रश्न है क्यों नेगेटिव है और पढ़ता है। क्यों ले लेंगे सबसे बाहर क्योंकि हमें क्वेश्चन वर्ड लेना था देन हैज देन सब्जेक्ट नॉट गोट टू गो टू ऑफिस डेली। व्हाई हैज ही नॉट गोट टू गो टू ऑफिस डेली। मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।